हेलो, माय गॉड, एड़ियों की मेहंदी की महक फोन पर आ रही है। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे पैरों में मेहंदी लगी है, हाथों में नहीं? अरे अगर पैरों में मेहंदी ना लगी होती तो आना जाती कहीं, कहती मनु मेरी मेहंदी का डिजाइन तो देखो, तेरे सपनों जैसा है ना। क्यों बेचैन कर रहे हो, बरसे काट ली, घंटे नहीं कटते अब। कितने दिनों से तुम्हें नहीं देखा, कैसे हो? क्या बताऊं शुभी, क्या बताऊं, मुझे तेरी इतनी तड़प क्यों है? अरे ख्वाब थोड़े ही सोच समझ कर देखे जाते हैं। वाह, शायरी भी करने लगे? शुभी, हलवाई का बेटा कढ़ाई तो खुरच ही लेता है, अरे शायर का खून भाई। शुभी, जिंदगी की इन घड़ियों को किसी किताब में दबा लेना, बूढ़े हो जाएंगे तो सूखी पंखुड़ियां देख लिया करेंगे। शुभी, लेकिन शादी के बाद मेरी हर बात मानोगे ना? ए मिस्टर, गलत सलत बात तो बिल्कुल ही नहीं मानूंगी। हाँ, कभी कभी मान लिया करूंगी। ओके, एक मिनट, ये गलत सलत बातें क्या होती हैं जी? बेशरम कहीं के, फोन पे बताऊं क्या? प्रेम निवास आऊंगी तब बताऊंगी। अरे यार, लेकिन कब आओगी? आज ही आकर ले जा, बेसब्रे कहीं के। तुम तो बड़े सीरियस बच्चे थे। अरे उस वक्त बच्चे थे ना, आप जवान हो गए हैं। यार कितने दिन हो गए तूने मेरे बालों में उंगलियां नहीं फेरी, बेचैन नहीं होती तू? बेचैनी कैसे, भाग्य ने अब संपूर्ण मनीषी मुझे सौंप दिया है। एक मिनट, लगता है माँ आ गई। तुम तो मेरी नाक कटवाओगे पाजी। अरे इसमें नाक कटवाने की क्या बात है भाई, फूल अपनी खुशबू से बातें नहीं करेगा तो क्या माली से बातें करेगा? और हाँ, माजी से कह देना कि विदाई ज्यादा डिटेन ना करे, एक एक लम्हा भारी है यार। तुम जैसा बेशरम नहीं देखा। लड़की अपनी माँ से कहेगी क्या कि पिया की सासों की प्यास है? तो ठीक है, हम अपने बाप से कह देते हैं कि ए बाप, अपनी बहू को जल्दी उसकी सास के बेटे के हवाले कर देना। फोन रखूं अब? बाय बाय। हाँ भाई, वो आपको 2 3-पीस सूट और 4 सफारी दिए थे सिलने के लिए, तो भेजो ना फिर, शादी के बाद भेजोगे? हाँ जल्दी भेजो। हाँ ओके। कंजरा आयो, कंजरा। लो जी अन्ना आ गया, पर ये भी हमारे खंजर को कंजर बना के छटेगा। कंजर आयो, मैं अपना बिजनेस है साथ लेके आया। ये कलकत्ता वाला। नमस्कार। ये बेंगलोर वाला। नमस्कार। और ये लेटेस्ट है गाजियाबाद वाला। मैं बोला दूल्हे की माँ को रसम करके आओ। की कूर कूर के देख रहे हो, जनानियां नहीं देखी कभी? नहीं नहीं, जनानियां तो बहुत देखियां हैं, पर 3-3 शेरनियों के बीच में घिरा हुआ एक बकरा पहली बार देख रहा हूँ। नहीं नहीं, वो सतनाम तेरे दफ्तरों की तारीफ कर रही थी यार। अरे बाबी, मैं तो सोटा को भी बोला कि तू अपना एक्वारा ब्रांच ऑफिस से कॉल, पर ये गधा माने तो नहीं। मोया फिटे मुंह तेरे, तेरे को बोला। नहीं यार, मैं तेरी तरह गधा नहीं हूँ ना, इसलिए नहीं खोले दफ्तर मैंने। ये क्या माँ, विभा का रोशन, शादी का कॉस्ट्यूम। लेकिन शादी में तो कोई कष्ट नहीं है। पर जाई, कष्ट नहीं, कस्टम, रिवाज। अच्छा, वही तो, ठीक बोला। माँ दुर्गा शुभ शुभ करो। आ बेन, लड़के का चाची लड़के के माँ को साड़ी देता। हमारे यहाँ ये रस्म तो नहीं है, पर है अच्छी। जिस माँ ने पूछा ना हो, उसको नेक तो मिलना ही चाहिए ना। अच्छा ले बेन, माँ ये ले, अब से साड़ी है पहन। 3-3 साड़ियां पाल है एक के ऊपर एक, ते सोनी बन जा। छोड़ो जी, छोड़ा भैया, उसका हक है, लड़के की माँ है वो। पर लड़के की माँ तो आप हैं। जना मैंने है, पर छाया तो इसी की रही है, हौसलों वाली माँ ये है। माँ की भालो स्वभाव, आमी तो खूब प्रसन्न। लावली आमी बहुत खुश हुआ, कितना प्यार। वाह, इस दुनिया में अब भी इतना प्यार है। आयो बना लो पो। अरे भाभी, मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई।
आप लोग सब बैठिए, कुछ खा पी के जाइए, पहली बार आई हैं। अरे काय पे तकलीफ करता। भाई अंधे, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो कमाल है भाई। अरे स्वादा कंट्रोल। एक ताजा ताजा गरम गरम शेर हुआ है भाई, शेर धुआं छोड़ रहा है। अर्ज किया है कि चांद सी सूरत का दिलबर जिनके पहलू में रहे, चांद सी सूरत का दिलबर जिनके पहलू में रहे, उन खुश नसीबों से पूछो मजा बारात का। है कि नहीं? आदा आदा रात के वक्त भी तुम शेर उसाइदी कर रहे हो, बारात ठीक समय पर पहुंच गई है। अभी घोड़ी को दूने समेत आगे लाया जाए, बैंड वाले पीछे जाए। आइए आइए अम्मा जी, आइए। अरे उतारो भैया को। हाँ भाई, दूल्हे के बाप को बुलाया जाए। रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से हम हाजिर हैं। खोतिया खोतिया, दूल्हे के बाप को। ओ सुर्री पापा जी सुर्री, हम समझे पहले सर्वेंट लोगों की मिलनी होती है। ओ हटो हटो हटो, आ गया मैं। ओ ठहर जा, मनु विदे। आज मेरे यार की शादी है। यार सड़े, तू जिंदगी भर लोगों को हथकड़ियां पहनाता है, आज मेरे गले में रेशम की रस्सी डाल दी। आंखें कब से तरस रही थी इस सजा के लिए। ओए तूने अपनी दाढ़ी कहां कदा कर दिया। ओए खंजरा, बच्चे खुश रहें, हंसते खेलते रहें, और ये रेशम के बंधन ऐसे ही बंधे रहें, और की चाहिए लाइफ। हां जी, इस हैप्पीनेस के मौके पर हम सब बरातियों को 500 रुपया प्रेजेंट देना चाहते हैं। अरे इसने कहीं डाका डाला है क्या? ओ फ्रॉड नोट है यार, चूरन वाले। अरे खेल गया के। आ जाओ।
क्या बारात में बड़े भैया नहीं आए? रेशम का थान खुलता बहुत आसानी से है, पर समेटना इतना आसान नहीं। वो नहीं आया, तुम चलो। बाकी लोग ना जाए, बाकी लोग बैठ जाए। हम आए ना मनु भैया, नर्वस क्या हो गया? अरे हम आए तो वरमाला दे। देखा क्या चॉइस है भैया की? आओ चाचा, आओ अम्मा, देखो क्या भाव मिल गया हमको। मैं ना कहती थी काका जरूर आएगा। दादी तेरा पुत्र है, तू ही जाने। थैंक्स फॉर कमिंग भैया, आपने मेरा मन रख लिया। डोंट बी सिली, साइंस कितनी भी कोशिश करे खून जैसा सुर्ख रंग नहीं पैदा कर सकती। बड़े भैया, मेरे मन्नू का ख्याल रखना, खुश रखना इसे। बहुत अच्छा बच्चा है। अरे हाँ, ये वही तेरा 500 रुपए का नोट जिसे तूने अपने अरमानों को कैश मेमो कहा था, ये मेरी तरफ से तेरे सुहाग के लिए आशीर्वाद। आप रुकेंगे नहीं बड़े भैया? नहीं, मैंने यहाँ आके अपना वादा पूरा किया। आई मस्ट लीव। चलो भाई चलो, वरमाला डालो, टाइम जा जा रहा, टाइम काटा, जल्दी करो जल्दी करो। भैया झुकना नहीं है, झुकना नहीं। डालो बेटा डालो। सीधा मनुया, गर्दन नीचे नहीं आएगी मनुया, उठ के शाबाश। तालियां। यहाँ बैठा हुआ है, सब लोग तो बारात में हैं। अरे आप ही का तो इंतजार कर रहे हैं हम। माँ जी ने कहा जा घर जा, सत्ते भैया आएंगे, कोई तो घर में होना चाहिए ना। क्यों, अकेले घर में मुझे डर लगता है क्या? नहीं बड़े भैया। तो माँ ने सोचा होगा नशे में आएगा कहीं बहक ना जाए। नहीं बड़े भैया, ऐसी बात नहीं है। सच कहे तो आज आपको शादी में हमको देख के ऐसे लगा कि क्या लगा ऐसे लगा कि कैसे नमक हराम नौकर हमें ये घर के। अरे धीरे धीरे घर के आईने पे धूल चढ़ती जा रही है और हम है कि इसे साफ करने की कोशिश तक नहीं करते। अरे अगर आम आईना होता तो साफ करता ना तू हैंडल। ये जो बड़ा भाई तेरे सामने खड़ा है ना, ये तो हमेशा एक आम आईना बना रहना चाहता था, लेकिन घर के लोगों ने इसे कीमती क्रिस्टल का शोपीस बनाकर शोकेस में सजा कर रखा है और कोई इस डर से हाथ नहीं लगाता कि कहीं टूट ना जाए। बड़े भैया तू जा, एंजॉय योरसेल्फ, मैं सो जाऊंगा। अम्मा को कह देना ठीक हूं मैं। दुल्हन बनते हैं, पत्नी बनने के लिए ना
मन को भी छूने लाने पड़ते हैं। सबको सुखी करना। बस बस जी घबराओ नहीं, बिटिया आती जाती रहेगी, आपको अकेलापन नहीं महसूस होगा। चंद्रमा घर बदल रहा है, बेटी को विदा करो। पापा जी आप थक गए हैं ना, सरकार शादी में क्या डांस किए, रंबा शंबा डिस्को फिस्को को कहा किसको। पांगड़ा चीज ऐसी है हैंडल, एक बार कॉलेज में जवानी के दिनों में नहीं, नहीं सुननी तेरी जवानी की कहानी, पर हमको तो सुननी है ना, पापा जी के एक्सपीरियंस वाले ही तो पता चलेगा ना कि यंग एज वा में व्हाट नॉट टू डू। ओए तेरा क्या मतलब, मैं बदमाश था और क्या, इसमें कोई शक है? अरे हैंडल जवानी में ये जिस गली से गुजर जाता था लोग अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे, और मम्मियां अपने बच्चों को बोलती थी चुपचाप सो जाओ वरना सोडा आ जाएगा। तुझे कैसे मालूम? सरकार वो फिल्म शोले में देखे रहे, वहाँ गब्बर सिंह रहा यहाँ सोडा सिंह। ओए कुट खानिया मार खाएगा तू, मार खाएगा तू। ओए तेरे को डाकू में और पुलिस में या डाकू में कोई फर्क नजर नहीं आता? पर डाकू और पुलिस में ज्यादा फर्क होता ही कहाँ है, डाकू आगे आगे भागता है पुलिस पीछे पीछे। ठीक है यार छोड़ो, हैंडल चाय लेकर आ, मैं तब तक सोडे को जरा दो शेर सुना दूं। रैम कर मेरे ऊपर हंजरा, रैम कर। ओ कुड़ी ब्याह के मैं वैसे ही सैड बैठा हूँ, तो शेरो शारी से मुझे और मैड करेगा क्या? अरे आप दोनों के कान हो तो खोल के सुन लीजिए कि हम चाय जब तक नहीं लाएंगे जब तक कि हमार शादी का प्रोग्राम फिट नहीं हो जाएगा। तो फिर सुन ले, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, जब दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा पाजी? बताऊं क्या करेगा पाजी, मैं अगर चाहूं तो तू सारी उम्र कुंवारा बैठा रहे, पर मुझे तरस आता है वो बेचारी बच्ची शांति के ऊपर। यार तू इसकी शादी करा दे वरना ये हमारा तलाक करवाएगा ये। अच्छा ठीक है करा देंगे, क्या चाल है क्या पहले? तो ठीक है आप दशरथ बनके केकई को वचन दीजिए। आप अपनी ये रामायण बंद कीजिए, चाय लेकर आइए वरना उठाऊं छड़ी। जब भी हम शादी की बात करते हैं कोई छड़ी उठाता है तो कोई चाय, शादी चाय, शादी शादी चाय शादी। यार तुम लोग चुप करो, कौन आदमी क्या बोल रहा है, क्या बोल क्या रहा है? मैं करा दूंगा तेरी शादी, या चाय लेके आ जा। प्रॉमिस? हाँ हाँ प्रॉमिस। जेंटलमैन? हाँ भाई जेंटलमैन। पापा जी जफिया नहीं, जफिया नहीं, तेरे ना जफिया नहीं पानी है, कह रहा कितनी बार, चाय लेके आ। बड़ा प्यारा मुंडा है भाई ये, बड़ा प्यारा बच्चा है। अरे खंजर भाई मजा आ गया मन्नू की शादी में। ठीक आया किसी ने कि दुनिया में आदमी सारे नजारे यहीं पे देख लेता है, अच्छाई बुराई दुख सुख। हाँ भाई सोडे, लोग गलत कहते हैं कि जन्नत और दोजख ऊपर है, यार सब यही है। बिल्कुल, आदमी अपने हाथों से अपने लिए यहाँ पर स्वर्ग के नरक बनाता है। दिशा Thank you.
शुभी तुम खुश तो हो ना? मन की मुरादें पूरी होने पर कौन खुश नहीं होगा? तो सोच क्या रही हो? आज की रात कोई भी लड़की क्या सोचती है मालूम?